बजरंगपुर, इसका मतलब हम इस बार हनुमान जी के राज्य में आ गए हैं। मैं जानती हूँ, इस देश के राजा का नाम है भुजंग। बल्लू और गुल्लू, इसका मतलब इस भुजंग की दो बेटी हैं। अब हमें बता, हम वो इतनी बड़ी दीवार कैसे चढ़ेंगे? उड़ के दीवार लांघेंगे गुड्डू और बंटी भैया। इस जादुई पेंसिल से मैं भी तुम दोनों को हनुमान बना देती हूँ। मुन्नी के लिए अब हमें सब करना पड़ेगा। तुम लोगों को अंदर घुसते ही सबसे ऊंचे महल में मुन्नी दिख जाएगी, ठीक है? मामला सच में गड़बड़ है। अब क्या होगा रे भूतू? अखाड़े में लगता है अब मुझे ही उतरना होगा। क्या करने की सोच रही हो? अकड़म बकड़म मकड़म, जादुई रबड़, तुम चले आओ ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना। अरे बाबा, ये तो एक रबड़ है। इस जादुई रबड़ से सबकी पूंछ को तुम जाकर मिटा दो, उसके बाद देखना क्या होता है। और अगर उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया तो? अरे बुद्धू राम, बुद्धि से काम करना होता है। सुन सुन, मैं बताती हूँ, तुम्हें बस सबसे बच के रहना है, ठीक है? मेरी बात सुनिए राजा जी, मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। हम दोनों को पकड़ के रखने से आपका ही नुकसान होगा, अभी कुछ देर में ये पता चल जाएगा। नहीं पिताजी, इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये क्या, अब ये कहाँ से आ गया? अरे ये क्या, इसका मतलब है कि भूतू आ गई है। राजा महाराज, प्रवेश द्वार पर दो बच्चे गड़बड़ कर रहे थे और उनकी जेब में से मुझे ये रबड़ मिला है। इसका मतलब पेंसिल के साथ इनके पास रबड़ भी है। पिताजी, मुझे वो रबड़ चाहिए, वो जरूर जादुई रबड़ होगा। ओए ओए, जा जा जा, जादुई रबड़। पेंसिल नहीं मिली तो क्या, रबड़ तो मिल जाएगा। दिखेगा तुझे जादू, तू लेके दिखा। ये देखिए महाराज, इस रबर से सब कुछ मिटाया जा सकता है। महाराज, मैं आपको गुल्लू और बल्लू की पूंछें मिटा कर दिखाता हूँ। अरे ये क्या क्या, अरे मेरी पूंछ मिट गई है। अरे क्या कर रहे हो, मेरी पूंछ मिट गई। अरे नहीं, ये क्या ये क्या, ये सब क्या कर रहे हो? पहरेदार पहरेदार, पकड़ो इन्हें। अरे मेरी पूंछ, अरे मेरी पूंछ, अरे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहरेदार पकड़ो इन्हें। भूतू का जादू, आपको भी एक चीज दिखाता हूँ महाराज। मेरी मूंछ मिट गई। तुम लोग चले जाओ, चले जाओ भाई, तुम लोग मुक्त हो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये लो बंटी भैया, अब मैं चखाता हूँ इनको मजा। भागो सब लोग। ये क्या, पालकी वाले भाई कहाँ पर हैं? जरूर डर के भाग गए होंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं रानी नहीं बनती तो ये सब कुछ नहीं होता। अरे भूतू, अब क्या होगा, अब हम घर कैसे जा पाएंगे भूतू? उफ, तो भी ना, हनुमान की पूंछ के साथ साथ तूने क्या अपनी अकल को भी उस जादुई रबड़ से मिटा दिया है गोलू? ये जादुई पेंसिल तो अब भी है ना। लेकिन ये जादुई रबड़ तो मेरा है। तो रुक तो, लेकिन भूतू, अगर हम मिलकर पालकी खींचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और देर से जाएंगे तो मम्मी पापा चिंता करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम पालकी से बिल्कुल नहीं लौटेंगे, हम लोग उड़ उड़ के जाएंगे जादुई कालीन पर। मुन्नी का जन्मदिन हमने खूब अच्छे से मनाया और मजा आया, तुम लोगों को भी मजा आया ना?
पता है मुन्नी, बंटी भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहना है मुझे। ये आलू चाट कितनी बढ़िया बनाई है तुमने। बिल्कुल सही कहा भूतू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा वाला तो बिना मिर्च का है, मैं तीखा नहीं खाता। अरे मिर्ची खाएगा तभी तो लंबा होगा गोलू। सच में गुड्डू, तुम्हें ये खाना चाहिए था। अरे ये सब छोड़ो, मुझे मेरी परेशानी खाई जा रही है। धत, किताब नानू भी नहीं आया अभी तक। मैं अभी कराटे सीखने के लिए जा ही नहीं पाऊंगा। पता नहीं किताब नानू ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया होगा। हमसे कोई जरूरी काम होगा। क्या हुआ, किताब नानू अभी तक नहीं आए? बंटी भैया, हमें इतनी बढ़िया आलू चाट खिलाने के लिए आपको सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको धन्यवाद बंटी भैया। गोलू, ये क्या किया? कूड़ा उस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जाओ, पार्क कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, हर बार तुम्हारे ये नियम। वो रहे, किताब नानू आ गए। पर उनके हाथ में कोई किताब नहीं है, तो उन्होंने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया होगा? उन्हें आने तो दो पहले। अरे वाह बच्चों, तुम सब एकदम सही वक्त पर पहुँच गए हो। सही कहा किताब नानू, हम तो वक्त से पहले ही पहुँच जाते हैं। वो बंद रखो गोलू। किताब नानू, हमें जल्दी बताइए ना, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा मुझे सांस तो लेने दो। गुड्डू को फिर से कराटे क्लास में जाना है। ऐसा है क्या? अगर जाना है तो चले जाओ, लेकिन ऐसी खबर शायद अपने कानों से फिर कभी सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। कैसी खबर? कौन सी खबर है? आप हमें चिकन कटलेट खिलाओगे? ये गोलू को सिर्फ खाना ही सोचता है। तुम मुंह बंद रखो, बताइए ना किताब नानू, क्या बात है? आप जल्दी बता भी दीजिए नानू। अरे बताता हूँ, मैं तुम सब बच्चों को लेकर जादू घर घुमाने ले जाऊंगा। मतलब जादूगर? जादूगर, बिल्कुल, एक महान जादूगर। ये तो सबसे बड़ा जादूगर है ना नानू। पिछले साल पाठशाला से बच्चों को उधर लेके गए थे और उस वक्त मेरा भी जाने का बहुत मन था। आपके साथ जादूगर देखने शहर जाने के लिए घर वाले जरूर मान जाएंगे। वाह वाह वाह, तो कब जाना है फिर हमें? अगले शनिवार को, शनि रवि दो दिन की सैर है। किताब नानू जिंदाबाद। अरे ये मुन्नी की आवाज को अचानक से क्या हो गया था? नहीं कुछ भी तो नहीं नानू, वो तो खुशी में निकल गया होगा। अच्छा, जादूगर में क्या है पता है? खुद को नहीं पता है, इसलिए ये दूसरों से बुलवा रहा है। जादूगर असल में पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रहालय होता है। इस महान जादूगर का असली आकर्षण क्या है पता है? क्या है? मिस्र के फिरौर का पूरा शव। मिस्र के फिरौर को राजा कहा जाता है ना? जिनके मरने के बाद उन्हें एक बहुत ही खास तरीके से रखा जाता है, उन्हें ही मम्मी कहते हैं, है ना नानू? भूतू, ये बस कब से हमारे बस के आगे जाने की कोशिश कर रही है, तुमने देखा? ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे ओ भैया, जरा धीरे धीरे चलाइए, आराम से। मुझे बहुत डर लग रहा है भूतू। रुको, मैं कुछ करती हूँ। Oh!
अरे 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 ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक किसने लगाया, ये कैसे हो रहा है, बस चालू भी नहीं हो रही है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, खाली रास्ता देखते ही भगाने लगे, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। दोनों बस के बीच इस तरह की रेसिंग करोगे तो ऐसा ही होगा, और ठीक से चलाओगे तो गाड़ी भी चलेगी। अरे 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 ये अब भला किसने बोल दिया, कौन बात कर रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वादा करता हूँ मैं ठीक से चलाऊंगा। याद रहेगा ना, फिर कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश की तो तुम देख लेना, अकड़म बकड़म मकड़म। चल मेरे साथी, ये मेरी इज्जत का सवाल है, अब मैं संभल कर चलाऊंगा। और इस गाड़ी के बाकी यात्री सब मुसीबत में थे, उसका फिर क्या होता, बोलो तो तुम। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ओह माफ कर दो मुझे, अब से मैं संभल कर चलाऊंगा, सच कह रहा हूँ। भूतू का जादू, भूतू का जादू। ये क्या हो रहा है गोलू, और ये भूतू का जादू क्या है? मुझे तो लगता है कि हड़बड़ी में इसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। अरे आज तो हम सबको ऊपर वाले ने बचा लिया। वाह वाह, ये तो वही जादूघर है, शहर का सबसे बड़ा जादूघर है ये। अरे मुन्नी तुम ऐसे क्यों जल रही हो, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं नानू, बस ऐसे ही। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये सब प्राचीन काल के लोगों द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें हैं। मैं तो जितना देख रहा हूँ मेरा दिमाग उतना ही घूम रहा है। अब ये सब क्या है? ये सारे अस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल करके प्राचीन काल के लोग युद्ध किया करते थे। अरे वाह, ये सारी तस्वीरें कितनी खूबसूरत है। तुम्हें इन सब तस्वीरों की कीमत पता है? करोड़ों में होगी। देश विदेश के कई महान कलाकारों की बनाई हुई तस्वीर है ये। और जो इन तस्वीरों की हिफाजत कर रहा है, जरा उसकी हालत तो देखो। अकड़म बकड़म मकड़म। अपना काम थोड़ा मन लगा के कीजिए, वरना हम जादूघर के अधिकारियों के पास आपकी शिकायत कर देंगे। यहाँ पर इतनी सारी अमूल्य तस्वीरें हैं, लापरवाही बिल्कुल ना बरते। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। Mm.
ये पहरेदार तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तब से वही देख रहा हूँ। इसकी वजह से यहाँ पर जो थोड़ी सी शांति बची थी वो भी चली गई। चलो 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 यहाँ से। अरे बढ़िया, यहाँ तो खूब सारे खिलौने रखे हुए हैं। अरे नहीं गोलू बेटा, इसे कहते हैं मम्मी। मम्मी? अरे ये सब प्राचीन मिस्र के राजा थे। मरने के बाद इनके शरीर को ऐसे ही संरक्षित किया जाता है। ये सब क्या कह रहे हो आप? वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। कई हजार सालों से ये लोग ऐसे ही हैं। ओ, 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 भूत, भूत, भूत। बाबा आज के बाद मैं कभी जादू घर में नहीं जाने वाला हूँ। अरे थक गोलू, वो तो एक मम्मी थी। मम्मी भूत, भूत? उन मम्मी को तो तुम भूत लगे बुद्धू राम। नहीं यार भूतू, मैंने अपनी आँखों से देखा था। उस मम्मी भूत की नाक पर एक मक्खी आकर बैठी, फिर उसने अपने हाथों से उस मक्खी को मारा था। लो सुनो हमारे प्यारे गोलू की बात। ये कह रहा है कि उसने उस मम्मी को हिलते हुए देखा। पता है वो मम्मी 1500 साल पुरानी है, और 1500 साल बाद वो मरा हुआ राजा जिंदा होके नाक से मक्खी हटा रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने यही सब देखा था। तूने सच में यही देखा था गोलू? सर्वनाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ है किताब नानू? जादू घर में चोरी हुई है। चोरी? क्या चोरी हुआ है? जादू घर से एक बहुत ही कीमती तस्वीर चोरी हो गई है। ये तो होना ही था, वो सुरक्षा कर्मी तो सो रहा था। इसीलिए पुलिस ने जादू घर आज बंद करवा दिया है। धत, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अभी तो पुरानी मुद्राओं का घर, डायनासोर की जिंदगी और स्वतंत्रता सेनानियों का पत्र भी तो देखना था, कुछ नहीं देख पाए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, फिर से उस जादू घर में नहीं जाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा हुआ। कल गोलू ने जादूघर में भूत देखा था और आज ही वहाँ पर चोरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, दाल में कुछ काला तो जरूर है। भूतू, क्या सोच रही हो तुम? बंटी भैया, आज तुम जैसे भी करके नानू को यहाँ पर रुकने के लिए मना लो और मैं वहाँ पर जाकर देख कर आती हूँ। समझ गया, तुम शांति से जाना भूतू। अरे भाई साहब, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर चोरी कैसे हो सकती है? और का कुछ तो हुआ ही नहीं यहाँ पर। अरे भूत है यहाँ पर, भूत, वो भूत था, मैंने देखा था उसे, वहीं पर भूत था, ऐसे निकल रहा था, उस मम्मी के अंदर से एक भूत निकला था, मैंने देखा अपनी आँखों से देखा। मम्मी वाले कमरे से आया था और गोलू ने भी उसे वहीं पर देखा, तो क्या फिर गार्ड और गोलू दोनों ही गलत है? नहीं नहीं,
मुझे ही अब मम्मी वाले कमरे में छानबीन करनी होगी। लगता है वहाँ कोई रहस्य जरूर छुपा है। नहीं, यहाँ तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा है। कल ठीक जैसा रखा हुआ था, आज वैसा ही तो है। तो फिर ये वाला इस मम्मी को ले जाना है। पहले हमें इसके अच्छे से छानबीन करनी होगी। सर, अगर सच में यहाँ पर भूत होगा तो हमारा क्या होगा सर? तुम अपनी ये बकवास बंद करो और इसे उठाकर गाड़ी में रखो। कितना भारी है यार। हाँ, संभाल कर। क्या पता अब उस मम्मी से कुछ पता चलेगा या नहीं। इतनी देर में तो मैं तस्वीर वाला कमरा देख कर आती हूँ। क्या पता कोई सुराग मिल जाए हमें। उन मूर्ख पुलिस वालों को ये तक पता नहीं चला जो असली चोर है वो मम्मी से निकल चुका है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये पुलिस वाले ना बहुत बड़े वाले मूर्ख है। कल सारा दिन मैं यहाँ मम्मी बनकर बैठा था, कितना कुछ हो गया। कितना मुश्किल है मम्मी बनकर बैठना, पता है? सारा दिन उस गंदे से ताबूत में बैठना पड़ता है। अरे बहुत मुश्किल है यार। अरे मेरा भाई, बिना तकलीफ के कभी कुछ मिलता नहीं है। ऐसा क्या? अब समझ आया, असली मम्मी के बदले तुम मम्मी बन के वहाँ लेटे थे उस वक्त, और रात होते ही उस कमरे में जाकर तस्वीर चुरा कर गायब कर दी तुम लोगों ने। फिर असली मम्मी अपनी असली जगह वापस रख दी और सैनिक बनकर यहाँ छुपे हुए हो तुम सब। ओह, ये सब लोहार लोगों ने कितना भारी भारी सामान बनाया, देख तो जरूरत क्या थी इतना भारी रखने की। जैसे ही पुलिस जाएगी हम भी निकल जाएंगे। कल सारा काम कर देते हैं हम। सरदार का आदेश है, कल चोरी करके तस्वीर लेके भागना आसान नहीं है। रात को कड़ी पहरेदारी होती है। इससे अच्छा कल जब फिर से जादूघर खुलेगा तब हम बाकी दर्शक की तरह आराम से घूमते घूमते यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। तो ऐसा क्या, अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। अब देखो भूतों का जादू, लोहे का कवच कैसे तुम्हारे लिए जेल बन जाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म, बड़ा सा चुंबक, यहाँ आ जाओ जरा। इसकी गाड़ी में भी सरक जाओगी। कौन बोल रहा है? मैं भूत नहीं हूँ बुद्धू, भूतू हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? अचानक से ये दोनों कहाँ से टपक पड़े? कौन हो तुम? साहब, अंदर भूत है साहब, भूत साहब अंदर। अरे साहब, वो सारी चोरियाँ हम कर रहे थे, कोई भूत नहीं था वहाँ पर, कोई भूत नहीं। भूत तो अंदर है। हाँ अंदर है। हमें बचाइए साहब, हमें बचाइए। हम चोरी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ऐसी बात है, पहले तुम दोनों को पकड़ लूँ, उसके बाद भूत को देखता हूँ। चलो। क्यों, कैसा लगा? इस
इस बार जादू घर में आकर कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, पर वो दोनों चोर इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे ये तो पता ही नहीं था। सही कह रहे हैं किताब नानू, वो दो चार अब अकेले मम्मी बनके जेल की हवा खाएंगे। पर इस सब के लिए थोड़ा ही सही पर गोलू का योगदान मानना पड़ेगा। और बाकी सब तो भूतों की तरह होंगे ना। क्या फिर से भूतों? पर तुम सब लोग कुछ मत कहना उनसे कि दो चोर कैसे पकड़े गए, बस तुम सब लोग मजे से देखते रहो भूतों का खेल, ठीक है? ये है इन पांच पांडवों का कारनामा, क्यों है ना? भूतों, हम हैं पांच पांडव, चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम, लगता है जैसे हम किसी साहसी सफर पर निकले हैं। हमारे इस गांव में इतनी खूबसूरत और सुंदर जगह है, ये मुझे पहले पता ही नहीं था। अच्छा हुआ मिट्ठू यहाँ पर उड़कर आ गया था, शुक्रिया मिट्ठू। देखो भूतू, मैंने इस पत्थर पे हमारे पांच पांडवों के नाम लिख दिए हैं। मुझे तो भूल ही गए हो। बिल्कुल नहीं, तुम और शेरू तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हो, मतलब जान हो हमारी। तुम दोनों के बिना तो ये दल बिल्कुल अधूरा है मिट्ठू। तुमने बिल्कुल सही कहा भूतो, मिट्ठू और शेरू बहुत प्यारे हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। मुन्नी बंटी भैया गुड्डू चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था। पानी पानी मुन्नी पानी लाओ। जान में थोड़ी सी जान आ गई, मुझे मुझे जाने दो। देखो तुम लोग मुझे कैद मत करना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी मत डरो, हम आपके दोस्त हैं। आप कौन हैं? आप रहते कहाँ हो? आप बिना डरे हमें बता सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों तुम लोग मेरे दोस्त हो क्या? दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। मैं बताऊंगा, मैं तुम सबको सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं पहाड़ के उस पार जो गांव है, मैं उसी गांव में रहता हूँ। उस गांव का नाम क्या है? पत्थर का गांव। पत्थर का गांव? पत्थर का गांव? हाँ, एक बार हमारे गांव में बहुत बारिश हुई और पता है नदी नाले सब भर गए। उस बारिश में राजा का महल आधा डूब गया। फिर हमारे राजा बहुत गुस्सा हुए, उसके बाद गांव में उन्होंने बारिश ही होनी बंद करवा दी। बारिश ही बंद करवा दी? लेकिन वो कैसे बताइए? राजा के हुक्म से गांव के सारे पेड़ काट दिए गए, नए पेड़ लगाना भी बंद करवा दिया गया। इसकी वजह से हमारे गांव में बारिश होनी बंद हो गई और नदी नाले नहर तालाब सब सूख गए। पानी की कमी से प्रजाजन में हाहाकार मच गया, खेत खलिहान सब कुछ सूख गए, खेती बंद हो गई, पानी खत्म हो गया और खाना भी। तो फिर तुम सब जिंदा कैसे हो? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो लोग मर गए
वो ही असल में बच गए। लेकिन आपके राजा जिंदा कैसे रहे? राजा जिंदा रहे क्योंकि उनके खाद्य भंडार में 10 साल के लिए खाना इकट्ठा करके रखा गया है। और आपके राजा जी को पानी कहाँ से मिलता है? गांव के सारे लोग एक एक करके महल जाते हैं और पत्थर खोद खोद के नीचे तक गहरा कुआं बनाते हैं, और जब तक पानी नहीं निकलता तब तक कोई छूट नहीं। अगर रोज 1000 फुट तक गहरा गड्ढा खोद सको तो 1 मटका पानी पगार के रूप में मिलता है। अरे ये तो अन्याय है। इसलिए आप उस गांव से भाग कर आए हो क्या? हाँ। पहाड़ के उस पार पत्थर का गांव है। अजीब बात है मंत्री, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ राजा जी, 10 को छोड़कर मैं 1 को पकड़ लाया। देखो तो सही उनकी इतनी हिम्मत, मेरे पत्थर के गांव से भाग गए, इतनी हिम्मत उनकी। सारे बस जीना चाहते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें इस पत्थर के गांव में रहने से कौन रोक रहा है? पानी की कमी उन्हें रहने नहीं दे रही है यहाँ पर। पानी की कमी? इस पत्थर के गांव में पानी की कमी? उन्हें रोज 1 मटकी पानी दे रहा हूँ, वो भी कम पड़ रहा है क्या उन लोगों को? बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। महाराज महाराज, बड़ी समस्या आ गई है। क्यों? आसमान से फिर बादल गिरा है क्या? नहीं राजा जी, गांव से और 50 लोग भाग गए हैं। क्या उनकी इतनी हिम्मत? जहाँ भी गए हो वहाँ से घसीट कर उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। अभी संभव नहीं है, सभी भाग गए पहाड़ के उस पार। मंत्री जी, पता लगाइए पहाड़ के उस पार आखिर है क्या। महाराज मैं जानता हूँ, फूल पहाड़ी नाम का एक सुंदर गाँव है। क्यों? फूल पहाड़ी? महावैज्ञानिक कहाँ हो तुम? राजा जी हम आ गए। राजा जी, उस फूल पहाड़ी गांव में ऐसा क्या है जो हमारी प्रजा के सारे लोग वहीं पर जा रहे हैं? मुझे ये बताओ कि वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बताइए बताइए, थोड़ा तो काम कीजिए। पता नहीं सारा दिन घर में क्या करते हैं। कोई बात नहीं राजा जी, हमारे इस यंत्र से हम सब कुछ बता देंगे। अरे चुप चुप, बिल्कुल शांत रहो, हिलना मत। अगर उस यंत्र में कुछ नहीं दिखा तो तुम भी नहीं बचोगे, समझ लो। बंद करो, ये तो बहुत ही बुरा गांव है, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है, बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल सही, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए आसमान में बहुत बादल है तो बारिश भी है, और बारिश है तो बहुत फसल भी है, इसलिए लोगों के मन में शांति भी है। कितना बुरा गांव है राजा जी, है ना? तबाह करो, उस फूल पहाड़ी को तबाह करो। सारे पेड़ काट दो, छीन लो सारी हरियाली। वाह वाह, क्या बात कही है तुमने, अभी जाओ सारे पेड़ काट दो, छीन लो उनकी सारी हरियाली, और जब वहाँ बारिश नहीं होगी लोग पानी के लिए तड़पेंगे, और तब होगी राजा की असली जय जयकार। और अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो जो प्रजा के लोग वहाँ भाग कर गए हैं वो भी यही आएंगे। वाह मंत्री। बंटी भैया अभी तक नहीं आए। मुझे तो उस पत्थर के गांव की बात याद आते ही बहुत डर लगने लगता है। बहुत बुरा हुआ भूतू, बहुत बुरा हुआ। हुआ क्या है बंटी भैया? फूल पहाड़ी के जंगल में आग लगी है। क्या फूल पहाड़ी के जंगल में आग लगी लेकिन है? लेकिन कैसे? कुछ नहीं पता है, लेकिन सब लोग बहुत डर गए हैं। बाबा गए हैं फायरमैन को बुलाने के लिए। अब क्या होगा भूतू? अगर वो आग हमारे गांव में फैल गई तो क्या होगा? हमें जल्दी से कुछ करना ही होगा। चलो बंटी भैया।
ये तो बहुत ज्यादा आग है, हम कुछ नहीं कर सकते। तीन तीन टैंकर इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और तो और, ये पानी देने वाला पाइप भी छोटा है, दूर नदी से पानी भी नहीं ला सकते हम लोग। अब क्या करेंगे भूतू? मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या करोगी भूतू? चारों तरफ आग तेजी से फैल रही है। बंटी भैया, मैं अपनी जादू से इस पाइप को बहुत बड़ा कर देती हूँ और तुम सब भाग के उस पाइप को नदी में ले जाओ। समझ गया, चलो गुड्डू चलते। अकड़म बकड़म मकड़म, पाइप तुम लंबी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, मान जाओ। सर, हम पाइप लेकर नदी में जा रहे हैं, आप यहाँ पर संभालिए। ये पाइप नदी तक नहीं जाएगी। चले जाएगी, चले जाएगी। ये क्या, ये पाइप इतनी बड़ी कैसे हो गई? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, आप लोग काम पे लग जाइए, हम उधर सब संभाल लेंगे। चलो गोलू। अगर ये बच्चे ना होते तो हम ये आग कभी नहीं बुझा पाते। इन बच्चों ने हमारे गांव को बचाया है, ये बच्चे हाँ? हमारे गांव की शान है। एक जंगल जलाना नहीं आता और बड़े आए मंत्री बनने। तो क्या करें राजा जी, उस गांव में बहुत पानी है, उसी से उन्होंने आग बुझा दी। मैं कुछ नहीं जानता मंत्री जी, सारी की सारी हरियाली तबाह होनी चाहिए। माता जी, अब मैं क्या करूं? वैज्ञानिक, क्या कोई तरकीब तुम्हारे दिमाग में है? जी जरूर, बिल्कुल। तो उसका इस्तेमाल करके सारी हरियाली तबाह कर दो। जी हुजूर, आज रात ही करूँगा। गोलों से होगा सारे पेड़ों का विनाश। खड़े क्यों हो, शुरू हो जाओ, संभल कर तोप चलाना, समझे? पत्थर गांव के राजा की जय हो, पत्थर गांव के राजा की जय हो, पत्थर गांव के राजा की जय हो, पत्थर गांव के राजा की जय हो। निशाना बिल्कुल सही लगा है, एकदम सही। ये सब क्या हो रहा है? ये सब किसने किया होगा भूतू? अगर मेरी मानो तो ये सब कुछ कर रहा है उस पत्थर गांव का राजा। क्या, पत्थर गांव का राजा? पत्थर के गांव के राजा? हाँ। क्यों? राजा जी खामखा हमारे यहाँ आग क्यों लगाएंगे भला? खामखा बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने उनकी प्रजा को अपने गांव में आश्रय दिया है इसी गुस्से में। इसी गुस्से में वो राजा जानबूझकर हमारे गांव के पेड़ों को जला रहा है। हाँ बिल्कुल सही, राजा जी हमारे फूलपहाड़ी के सारे पेड़ों को तबाह कर देना चाहते हैं। पेड़ों को तबाह? पेड़ों को तबाह क्यों करना चाहते हैं वो? अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो उनके गांव की तरह फूलपहाड़ी भी पत्थर का गांव बन जाएगा ना। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे भूतू? राजा को सबक सिखाने का वक्त आ गया। पर कैसे?
राजा तो बहुत शक्तिशाली होगा ना? जो राजा पेड़ों का सम्मान नहीं करता वो राजा शक्तिशाली होने के बावजूद मूर्ख है। हम अपनी अकल से उस राजा को हरा कर रहेंगे। तुम सब सुनो मेरी बात, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, तुम सब मेरे साथ रहना ठीक है? वो रहा, वही है पत्थर राजा का महल। राजा का खाने का भंडार कहाँ पर है? खाने का भंडार राजमहल के पीछे है, जहाँ बड़े बड़े मटकों में पानी और बड़ी बड़ी बोरियों में भर भर के खाना रखा है। हम उस खाने के भंडार पर ही आक्रमण करेंगे, लेकिन सावधान रहना होगा, वहाँ राजा ने कड़ा बंदोबस्त करके रखा है। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप वापस जाइए, बाकी का काम हम सब संभाल लेंगे। लेकिन बच्चों, जो भी करना सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे कोई गलत कदम मत उठाना। बंटी भैया, गुड्डू, गोलू, मुन्नी, हम खाने के भंडार में पीछे से घुसेंगे। सारे सिपाहियों को मैं जादू से संभाल लूंगी, फिर शुरू होगा असली काम। तो याद है ना? बिल्कुल, चलो। धीरे से, धीरे बंटी भैया। देखो सिपाही, तो अब आएगा खूब मजा। अकड़म बकड़म मकड़म। देखो भूतू, इस राजा ने अपने लिए कितना सारा पानी जमा करके रखा है। गरीब प्रजा को सताकर वो उनसे पानी भरवाते हैं। तो अब खाने का भंडार लूटने का कार्यक्रम शुरू करो। मुन्नी चल, अब हमें दूसरे काम के लिए जाना है। अकड़म बकड़म मकड़म, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहले इन बोरियों को यहाँ से बाहर निकालती हूँ, वरना ये पानी में बह जाएंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, जाओ तुम सब गांव के हर घर में पहुँच जाओ। मटका तो कितना ज्यादा भारी है। सुनो भूतू, ये पानी का मटका बहुत भारी है, इसीलिए देर हो रही है और हम पकड़े जा सकते हैं। रुक जाओ, ये सब मैं संभालती हूँ। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। मुझे बहने दे। ये कैसा हुआ? पानी पानी हर तरफ पानी, फिर से पानी, इतना पानी यहाँ आया कैसे? राजा जी सुनिए, पूरा गांव डूब गया है।
इन सारे बच्चों ने मेरा पानी चुराया है और हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा है राजा जी। अब हम क्या करें? पानी के बिना हम जिएंगे कैसे? और तो और हमारे खाने के भंडार में एक बूंद भी पानी नहीं है। वैज्ञानिक जल्दी बताओ हमें क्या करना चाहिए इस वक्त पर? कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है राजा जी। क्या रास्ता है? आसान है या कठिन है? बहुत आसान है। अपने राज्य में पेड़ लगाइए और सबकी जान बचाइए। ये बच्चे तो पेड़ लगाने को बोल रहे हैं वैज्ञानिक। सही, एकदम सही। बारिश होने के लिए हमें चाहिए पेड़। क्या पेड़ों की वजह से बारिश होती है क्या? अगर बारिश होगी तो नदी नाले नहर सब भर जाएंगे और हमारे राज्य में भी खुशहाली आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सब खुश रहेंगे हमेशा। वाह 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 वा, मंत्री पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाओ, जिंदगी बचाओ। बच्चे है ना, ये मेरे अतिथि हैं। एक काम करो, इन्हें 10 ठेला कीमती हीरे जवाहरात दो मंत्री। तो आज से इस गांव का नाम होगा पेड़ों का गांव। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। क्यों, कैसा लगा? तो आज से तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और पर्यावरण को बचाना।